हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का बायो का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इन। तो बेटा चैप्टर काफी नॉलेजेबल है, आपको काफी अच्छी नॉलेज देगा। ठीक है, आप कैसे किसी भी डिजीज से बच सकते हैं और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और दूसरों को भी कैसे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अपने आप को किसी डिजीज से कैसे बचाएं। तो चैप्टर का नाम है क्यों कोई इंसान बीमार पड़ता है ना? तो कोई भी इंसान बीमार क्यों पड़ता है बेटा? तो बात करते हैं सबसे पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, कि किन किन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा। तो बेटा हेल्थ एक स्टेट होता है जिसके अंदर कोई इंसान अच्छे तरीके से रहता है। ठीक है, वो अच्छे तरीके से बेटा काम करता है। अब यही हेल्थ जो है वो फिजिकली तो अच्छी होनी भी चाहिए, लेकिन मेंटली भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए बेटा जितनी इंसान की हेल्थ फिजिकली होनी चाहिए, और सोशली भी उस इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी इंसान हेल्दी कब कहलाता है? जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली बेटा क्या हो, वेलबींग में हो, फुल फॉर्म के अंदर हो बेटा, सही तरीके से बिहेव कर रहा हो, वही इंसान हेल्दी कहलाता है। अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और दिमाग की तरफ, अपनी सोशल लाइफ की तरफ बेटा आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तो बेटा आप हेल्दी नहीं है। आप सिर्फ मेंटली सही है, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे रहे, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, तो भी आप हेल्दी नहीं है। आपका दिमाग बहुत सही है, आपकी बॉडी भी बहुत सही है, लेकिन आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, इसका मतलब है वो इंसान हेल्दी नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारी बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स बेटा कैरी करते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इन काम को करने के लिए हमारे पास बॉडी सेल्स होते हैं जो टिश्यूज बनाते हैं, जो अपनी एनर्जी फूड से ऑप्टेन करके ऐसा काम करते हैं। और अगर किसी रीजन की वजह से फंक्शनिंग हमारे सेल्स की, हमारे टिश्यूज की बेटा खराब हो गई, तो बेटा हमारी बॉडी पे उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो हमको हमारी बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखना होता है, तभी हम बाकी चीजों को भी बेटा उसके साथ अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बेटा। सर, एक हेल्दी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा एक इंसान की अच्छी हेल्थ तब होती है जब उसके पास हेल्दी बॉडी हो, उसका हेल्दी माइंड हो, और उसका एटीट्यूड बेटा क्या हो, हेल्दी हो। इससे फायदा क्या होता है? जो हेल्दी इंसान होगा वो खुद भी हैप्पी रहेगा, खुश मिजाज रहेगा, दूसरों को भी खुश रखेगा बेटा। वो जिंदगी को बेटा क्या कर देगा बेटा, जीने की तरफ बेटा मोड़ देगा बेटा, है ना? He will have a joyful experience, beta. Not only he, but that person, even she can have a joyful experience, beta. है ना? तो आपने देखा होगा बेटा, फैमिली में इतने सारे लोग हैं, सब इकट्ठे मिलते जुलते बैठते खेलते, तो बेटा ये एक हेल्दी फैमिली का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? आपकी भी इतनी हेल्दी फैमिली है, सब मिलते जुलते इकट्ठे बैठते खेलते, है ना, खाते, तो बेटा ये सब बेटा हेल्दी फैमिली के बेटा क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई खाना लगा तो कोई अपना रूम में खाना ले गया, कोई और रूम में खाना लो गया, कोई मोबाइल में लग गया, कोई टीवी में लग गया बेटा। तो ये एक हेल्दी फैमिली के या हेल्दी पर्सन के बेटा कैरेक्टर्स नहीं है।
साथ में मिलजुल कर रहना, उठना, बैठना, एक दूसरे को समझना बेटा, ये एक हेल्दी इंसान की बेटा कैरेक्टर्स है, एक हेल्दी फैमिली के बेटा कैरेक्टर्स है। कहता है इससे कोई इंसान अपने काम करने की एफिशिएंसी जो है बेटा वो भी बढ़ा सकता है, और अच्छी सेहत जो है बेटा किसी इंसान को अलाउ करती है अपनी रोज की एक्टिविटीज को अच्छे से करना, बेस्ट तरीके से करना, चाहे वो उसके साथ जुड़ी हुई हो, चाहे वो उसकी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हो, चाहे उसकी फैमिली के साथ जुड़ी होनी चाहिए बेटा। तो एक हेल्दी माइंडसेट का जो इंसान होगा बेटा वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से बेटा पूरे करने की टाइम पर कोशिश करेगा, ठीक है, और कभी भी किसी को उसके ऊपर डिपेंडेंट होने नहीं देगा बेटा। और एक अच्छी हेल्थ बेटा कंडीशन होती है पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर। तो बेटा जो इंसान दिमाग से, सेहत से और सोशल सर्कल से बेटा हेल्दी है, तो बेटा दुनिया में हम ये कहते हैं कि बेटा उसका आना जो है वो पर्पसफुल है, वो बेटा काम आने वाला इंसान है बेटा, ना कि जो बेटा ऐसी चीजों में हेल्पफुल सपोर्टिव जो है ना हो बेटा, राइट। तो एक बहुत अच्छी नॉलेज जो है बेटा हमसे शेयर की जा रही है। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले कम्युनिटी की और पर्सनल हेल्थ की बेटा। अब ये दोनों चीजें क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, हम वो देखने जा रहे हैं। कहते हैं एक इंसान की हेल्थ डिपेंड करती है उसके पर्सनल हैबिट्स के ऊपर और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। सोशल इक्वालिटी और हार्मनी एक कम्युनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मेंटेन इंडिविजुअल्स हेल्थ। अब बेटा सोशल इक्वालिटी मतलब चाहे बड़े हैं छोटे हैं, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, चाहे लड़का है लड़की है बेटा, सबको बराबर का हक अधिकार मिलना चाहिए बेटा। एंड हार्मनी इन कम्युनिटी मतलब पूरी सोसाइटी में भी बेटा उनको दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक इंडिविजुअल की हेल्थ को बेटा क्या करता है बेटा, मेंटेन करके रखता है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर। अब आप बड़ा बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेंगे सोशल एनवायरनमेंट का। अब बेटा हो सकता है कुछ ऐसी पार्टीज हो, ठीक है, जहां पर बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना हो, तो कोई बच्चा वहां पे जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि बेटा कुछ कोई सोशल पार्टीज ऐसी भी होती होंगी जहां पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। तो बेटा सोशल एनवायरनमेंट बेटा क्या करता है, बड़ों को बच्चों के साथ और बच्चों को बड़ों के साथ क्या करता है बेटा, जोड़ता है, ठीक है। अब आप भी ऐसा करते हो, आप भी बड़ों को देखा देखी अपने बर्थडे पार्टीज रखते हो, उसमें सिर्फ आपके फ्रेंड्स आते हैं, बड़े कोई नहीं आएगा। फिर बड़े भी ऐसा करते हैं कि भाई हमारी बर्थडे पार्टी होगी, बड़े आएंगे, बच्चे कोई भी नहीं आएगा। तो बेटा ऐसे ही हेल्थ पूरी कम्युनिटी की डिपेंड करती है पर्सनल हैबिट्स के ऊपर और वो सारे इंडिविजुअल्स जो उस कम्युनिटी के साथ बेटा क्या है, जुड़े हुए हैं। तो पर्सनल हेल्थ की अगर बात करें, ये स्टेट होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बेटा ये डेफिनेशन है एक हेल्थ की बेटा। तो हेल्दी पर्सन, ठीक है ना, पर्सनल हेल्थ और हेल्दी रहना बेटा, उसमें ये तीन चीजें आनी बहुत जरूरी है, फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट, ठीक है। तो बेटा आप एक पर्सनल हेल्थ को अटेन कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। बेटा ये मेंटेनेंस होती है, प्रोटेक्शन होती है और इम्प्रूवमेंट होती है, या ओवरऑल वेल बीइंग की ऑफ अ हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी। अब इसका बेटा एग्जाम्पल क्या है, आप अपने घर की साफ सफाई में जी जान लगा देते हैं, है ना। यू ऑलवेज प्रेफर टू कीप योर हाउस, टू कीप योर रूम क्लीन, बट आपके घर के बाहर इधर उधर आप कूड़ा फैला देते हो, आप गंदगी फैला देते हो, आप सफाई नहीं करते, पानी पड़ा रहता है,
मॉस्किटोज बेटा वहां पे ब्रीड कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो आप अपने आप को साफ रख रहे हो पर आप अपनी कम्युनिटी को साफ नहीं रख रहे। अच्छा दूसरे टाइप के लोग क्या होते हैं, अपने रूम को अपने घर को गंदा रखेंगे, इधर उधर सामान पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, ये सब पड़ा है, लेकिन बाहर जाएंगे तो दुनिया को बड़ा अच्छा बन के दिखाएंगे कि वी आर वेरी मैनर्सफुल, हम देखो हम तो अपने बाहर यू नो अपनी सोसाइटी अपनी कॉलोनी में हर चीज में कोई भी गंदगी नहीं फैलाते। हाँ घर में जितनी मर्जी गंदगी फैला दो, बेटा ये भी गलत बात है। तो कम्युनिटी हेल्थ और आपकी पर्सनल वेल बीइंग बेटा दोनों का सही मेंटेन होना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आपके कॉलोनी में, अब आप खुद ही जानते हैं कि अगर आपकी कॉलोनी में एक सुंदर सा पार्क होगा जो कम्युनिटी ने साफ रखा है तो बेटा सारे लोग उस पार्क में आएंगे। अगर वही पार्क बेटा गंदा होगा तो बेटा कोई भी उस पार्क में आना पसंद नहीं करेगा। तो बेटा कम्युनिटी हेल्थ भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम सब चाहते हैं कि बेटा हमारी कॉलोनी में जितने भी पार्क्स हो बेटा वो वेल मेंटेन्ड हो, ठीक है ना, उसमें कोई भी कूड़ा कबाड़ ना हो, देर इज नथिंग चाहे पीसेस ऑफ पेपर या गार्बेज इधर उधर स्कैटर हो, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कैसे एक कम्युनिटी की हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है बेटा। सबसे पहले तो आता है बेटा इसके अंदर मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बेटा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, है ना, चाहे वो बारिश का हो चाहे वो गार्डनिंग का हो। आपको एक साफ और क्लीन पानी पीने के लिए बेटा प्रोवाइड करना हो। अब बेटा गवर्नमेंट आपको पता है ना हमें पीने का पानी प्रोवाइड कराती है ना, रोज डे में एक बार या दो बार हमारे घरों में पानी आता है। ये जो पानी है बेटा ये क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर है बेटा। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम ये भी है एक प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए या रेन वाटर डिस्पोजल सिस्टम कॉलोनीज के अंदर होना चाहिए बेटा, कम्युनिटी के अंदर होना चाहिए, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, ठीक है। सीवेज जितना भी है बेटा वो सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। घरों से गार्बेज डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। तो बेटा हमारी कॉलोनी में रोज एवरीडे बेटा गार्बेज डिस्पोजल एक टीम आती है, वो हमारे घरों से सारा गार्बेज बेटा डेली नॉन स्टॉप बेटा वो रोज के रोज बेटा आके ले जाती है बेटा। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी पोल्यूशन लॉज, आपने देखा होगा रिसेंटली अब दिल्ली में जैसे ही दिवाली का टाइम आता है तो बेटा पोल्यूशन क्रिएट ना हो, बेटा एयर पोल्यूशन क्रिएट ना हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट बेटा क्या करती है, क्रैकर्स पे क्या लगा देती है, बैन लगा देती है, फैक्ट्रीज को बंद करा देती है, कंस्ट्रक्शंस को बंद करा देती है, और कभी कभार तो ऑड इवन जैसे केसेस को बेटा अप्लाई कर देती है, ताकि भाई लोग जो है वो कम से कम बेटा पोल्यूशन जो है फैला सके, जितना कम कर सकते हैं बेटा हम उसको कर सके। ऐसे ही बेटा दूसरा पॉइंट है जहां पे कम्युनिटी की हेल्थ मेंटेन की जा सकती है बेटा, वो है प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ये तो बेटा आपको पता चल ही गया होगा, रिसेंटली जब बेटा कोविड जो है वो आया वर्ल्ड के अंदर तो उसने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बेटा बहुत तबाही जो है वो मचा दी है। अब इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करती है सबको बेटा, एंड हर बच्चे को अगेंस्ट एवरी डिजीज मतलब वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। हम जब बच्चे छोटे थे बिलो 5 ईयर्स के थे बेटा तो सब बच्चों को टीबी की वैक्सीनेशन, डायप्थीरिया की, वूपिंग कफ, टेटनस, मीजल्स, हेपेटाइसिस, पोलियो, मम्स बेटा इन सब की वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई थी बेटा। अभी जो लेटेस्ट वैक्सीनेशन जो सबको मिलेगी जो सबको बेटा लगानी है वो है बेटा कोविड की वैक्सीनेशन, है ना, तो वो भी सबको बेटा लगानी है। तो बेटा ये सब इसीलिए गवर्नमेंट करती है ताकि बेटा कॉलोनी में या हमारी कम्युनिटी में या हमारे स्टेट के अंदर या हमारे कंट्री में बेटा कम से कम लोग जो है किसी डिजीज से बेटा सफर करें। इसके अलावा बेटा
मॉस्किटोज की ब्रीडिंग हमारे यहाँ बहुत होती है, क्योंकि बेटा बारिश बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बेटा इसलिए आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में एक देयर इज वन पर्सन हु कम्स ऑन अ साइकिल और वो बहुत धुआं धुआं वाली मशीन जो है वो लेकर आते हैं, तो बेटा वो मॉस्किटोज को बेटा किल करती है। कुछ केसेस में बेटा हम केमिकल स्प्रे करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के अंदर, जैसे आपने घरों के अंदर भी बेटा कुछ केमिकल स्प्रे रखे होंगे इंसेक्ट कॉकरोच फ्लाइज मॉस्किटोज इनसे बचने के लिए। तो बेटा ये सब चीजें हम पर्सनल लेवल पे भी करते हैं और ये सब चीजें बेटा गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी बेटा करती है बेटा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा अभी कि भाई कोई डिजीज ना फैल जाए, तो बेटा सबने गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि एवरीवन विल गोइंग टू वेयर अ मास्क। तो बेटा इट इज मैंडेटरी है ना, क्योंकि बेटा ये जो डिजीज है ये बेटा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलती है बेटा, तो किसी को भी थ्रू माउथ नोज बेटा ये क्या कर सकती है एंटर कर सकती है। तो बेटा ये मशीन जो है बेटा ये फ्लाइज को मॉस्किटोज को बेटा क्या करती है किल कर देती है। तो ये हमारी कॉलोनी में रेगुलर बेसिस पे बेटा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग बेटा रेनी सीजन बेटा ये बहुत ज्यादा स्प्रे करवाया जाता है। देन बेटा थर्ड हमारे पास आता है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहते टू द मासेस रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस mechanism of control of communicable diseases, importance of balanced diet, effects of bad habits like alcoholism, addiction, etc. तो बेटा इसके बारे में भी हम लोगों को educate करते हैं। बेटा rural areas के अंदर बेटा ऐसे campaigns बहुत carry किए जाते हैं, urban areas में तो फिर भी कम है, क्योंकि बेटा हमारे पास बहुत सारा media है, प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, मोबाइल मीडिया है, बेटा बहुत कुछ है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी बेटा इन चीजों की काफी कमी है मीडिया की। इसलिए बेटा लोग वहां पे जाके अलग अलग कैंपेन्स जो है बेटा कैरी करते हैं, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एक छोटे छोटे प्लेज रखे जाते हैं, क्या खाना है कितना खाना है वो बताया जाता है। स्पेशली रूरल एरियाज में प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बेटा बहुत बहुत सारे कैंप जो है बेटा वो लगाए जाते हैं, ताकि उनको थ्रू आउट एक अच्छी डाइट एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा ये एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि बेटा कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। और फिर यही लोग आगे जाके बेटा विलेज टू विलेज जाते हैं और वहां पे लोगों को बेटा ट्रांसफर करते हैं। अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो बेटा दिस इज अ कैंपेन फॉर यू नो फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बेटा एक कैंपेन है जहां पे फादर भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यू नो ड्यूरिंग यू नो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इट इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ओनली फीमेल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, बट बेटा मेल की भी उतनी ही ड्यूटी बनती है कि वो सारी चीजों को मेडिकल कंडीशंस को अंडरस्टैंड करे समझे, डाइट को अंडरस्टैंड करे समझे, क्योंकि बेटा फीमेल इज नॉट ओनली गोइंग फ्रॉम फिजिकल चेंजेस बट शी इज ऑल्सो गोइंग फॉर मेंटल चेंजेस एज वेल। तो बेटा हस्बैंड का भी बराबर तरीके से पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। एंड इसको और अच्छे से करने के लिए बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ केयर सर्विसेज बेटा प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है बेटा उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, है ना, मोहल्ला क्लिनिक। तो बेटा उन्होंने क्या किया, जो ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड बेटा सोसाइटीज है दिल्ली के अंदर, है ना, जो जहां पे थोड़ा सा लोग अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते, तो बेटा उन्होंने उनके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बेटा क्या कर दिया, बेटा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बिठा दिया। इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट जो है
प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाती है। दिल्ली में बेटा ऐसे बड़े सारे हैं, जैसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, ठीक है, जैसे होली चाइल्ड हो गया, ठीक है, देर आर मेनी हॉस्पिटल्स बेटा जो है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी आते हैं बेटा। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में बेटा क्या हो गया, मोहल्ला क्लिनिक, और बेटा क्या हो गया, डिस्पेंसरीज आ गई, ठीक है। हमारी कॉलोनी में भी बेटा एक डिस्पेंसरी है, ठीक है, तो वहां पे भी लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं बेटा, जैसे हमारे पास एक है AFMC, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। आपको पता है हर हॉस्पिटल का अपना भी एक मेडिकल कॉलेज होता है। फिर रीजनल हॉस्पिटल्स भी आते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने यूपी के अंदर एक और एम्स बना दिया कि बेटा अब यूपी के लोगों को दिल्ली में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, कि वो अपना ही एम्स के अंदर ट्रैवल करेंगे, जो बेटा एक ऋषिकेश के अंदर है। सर मेरे घर के पास भी सर बन रहा है जम्मू में कौन सा, वेरी गुड बेटा, कहाँ पे आपका घर और कौन सा हॉस्पिटल बन रहा है? सर, एम्स बन रहा है सर विजयपुर में ओ दे वेरी जम्मू। नाइस बेटा। तो एम्स जो है बेटा, आपको पता है पूरे एशिया का माना हुआ हॉस्पिटल है बेटा। एंड दिल्ली में एम्स के अंदर बेटा इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि जो दिल्ली एम्स है बेटा, उन सबको वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाता। अब पूरे इंडिया में एक दो एम्स होने से बेटा काम नहीं चलेगा। एम्स जैसी फैसिलिटीज और एम्स जैसे डॉक्टर बेटा हमको इंडिया में, मैं तो कहता हूं कि हर स्टेट में कम से कम, नहीं तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ देम, कम से कम चार पांच एम्स होने चाहिए बेटा, तब जाके वो बेटा इंडियन पॉपुलेशन को सर्विसेज दे पाएंगे। अगर चार पांच भी नहीं है, कम से कम दो दो हो, तो भी बेटा वो इंडियन पॉपुलेशन को अपनी सर्विसेज जो है वो दे पाएंगे। बट उसके अलावा है ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर बेटा बहुत सारी डिजीजेस जो है वो छोटे रीजनल लेवल पे, मोहल्ला क्लिनिक लेवल पे, डिस्पेंसरी लेवल पे बेटा साफ, वो मतलब वो यू नो क्या कहते हैं, आप उनको ठीक कर सकते हो, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो, आप उनकी प्रिकॉशंस जो है उस हिसाब से आप देखभाल कर सकते हो बेटा, है ना। लेकिन बेटा कुछ सिवियर केसेस के अंदर फिर बेटा हमें इन हॉस्पिटल्स की तरफ बेटा मुड़ना पड़ता है बेटा, बिकॉज ये प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी रिसर्च भी होती है बेटा। तो बेटा गवर्नमेंट को ये सारी चीजें जो है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती है कम्युनिटी हेल्थ के लिए बेटा, है ना। तो जैसे मैं बात कर रहा था आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, तो आप देख लो बेटा लोग कैसे, अब इतने सारे लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है बेटा फैसिलिटी इज वेरी गुड। और बेटा आज के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वो भी इतनी अच्छी, बेटा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट अगर बेटा ऐसा करती है, तो बेटा उसको पब्लिक से, उसको पॉपुलेशन से बेटा ब्लेसिंग्स ही मिलेंगे बेटा। क्योंकि एक एक हम लोग तो फिर भी बेटा थोड़ा बहुत मनी स्पेंड करके अपना इलाज करवा लेंगे, लेकिन बेटा जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो बेटा ये एक तरह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बेटा। इट्स लाइक गॉड है ना हैज पर्सनली मूव्ड ऑन टू लैंड। देन बेटा नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स। बेटा जब आज से कुछ साल पहले बेटा गवर्नमेंट ने सर्वेस कराए कि बेटा कि कितनी रूरल पॉपुलेशन के अंदर चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में बेटा एक मदर जो है बेटा वो अपने चाइल्ड को लूज कर देती है, जब बेटा उस सर्वे के बेटा आंसर्स आए, बेटा उस सर्वे के नंबर्स आए, तो बेटा आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेटा हैरान रह गई कि बेटा इतनी सारे बेटा चिल्ड्रन दे डोंट इवन बॉर्न एंड दे डाई बिफोर देयर बर्थ।
इन सम केसेस बेटा इवन द मदर इज नॉट एबल टू बेटा यू नो सेव हर सेल्फ बेटा, क्योंकि कोई ना कोई डिजीज हो गई, कोई ना कोई इश्यूज आ गए, कोई ना कोई बेटा क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। तो बेटा इस वजह से बेटा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशियल स्टेप शुरू किया ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। जैसे बेटा हमारे इंडिया का पोलियो कैंपेन सबसे बड़ा और सक्सेसफुल माना जाता है बेटा, आई बिलीव उसके बाद बेटा जो है वो है मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स। तो बेटा ये बहुत फायदेमंद है, ये बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि बेटा ये गिविंग बर्थ इज नॉट ओनली अ बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट बेटा इसके साथ इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन होना ये भी बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स को तो बेटा इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, उनको तो पता ही नहीं होता कि ये प्रोसेस इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का ध्यान नहीं रखना। वो अपना मस्त होते हैं, फीमेल्स उनकी काम कर रही होती हैं, एंड कुछ ना कुछ बेटा फिर मिस हैपनिंग्स हो जाती है। तो इसी नंबर को कम करने के लिए बेटा बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेटर्निटी सेंटर्स और चाइल्ड केयर सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड किए, जहां पे वो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग एडवाइस देते हैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि बेटा फैमिली में कब बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, ये सब चीजें बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर मेडिकल सेंटर्स फॉर इन्फेंट्स, अब बेटा न्यू बॉर्न बेबी है, हो सकता है कि बेटा उसको कोई डिजीज हो जाए, हो सकता है उसको बेटा फूड ढंग से नहीं मिल रहा, मदर्स मिल्क नहीं मिल रहा, तो बेटा वो कोई ना कोई डिजीज का प्रोन हो सकता है बेटा, उसको भी तो मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। और फिर बेटा ग्रोइंग एज है, अब 3 इयर्स का हो गया, लेकिन बेटा कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिनकी वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, भगवान ना करे दैट चाइल्ड मिसेस द वैक्सीनेशन, तो बेटा दैट चाइल्ड इज मोर प्रोन टू सच डिजीजेस। तो बेटा इस वजह से ये सारे सेंटर्स का होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर ये नॉट ओनली इन इंडिया बेटा, ये हर कंट्री में होता है, एंड बेटा जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें तो और ब्यूटीफुली बेटा और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। सर जो रिमोट एरियाज होते हैं सर, उधर भी ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई जाती है बेटा? ये थोड़े बहुत स्टाइल है बेटा, मतलब थोड़े बहुत सर्विसेज है, बट यस बेटा टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हमको फॉर द पास्ट। अगर हम 50 इयर्स डाउन द लाइन देखें तो टेक्नोलॉजी हैज रियली बीन वेरी हेल्पफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो बेटा यस, अगर जहां पे हम नहीं पहुंच सकते या कोई ड्यू टू सम रीजन बेटा कनेक्शन ब्रेक डाउन हो गया, अब अगर बेटा मान लीजिए भगवान ना करे कोई फ्लड आ गया, कोई पुल है, कोई क्रॉसिंग है, कोई रिवर ब्रिज है, वो ब्रेक हो गया, तो बेटा कनेक्टिविटी ब्रेक कर जाती है। अब अगर कनेक्टिविटी ब्रेक कर जाएगी तो बेटा सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे? अब यहाँ तो हेलीकॉप्टर लाओ बेटा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, नहीं तो बेटा छोटे छोटे ड्रोन्स हैं बेटा, दे आर वेरी पोर्टेबल एंड वेरी हैंडी, इजी टू यूज बेटा, उनसे हम काम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ का। अब बेटा सबसे बड़ा सवाल जब हमारे सामने आया तो बेटा हम तो हैरान रह गए, जब एजुकेशन या स्टडी कहती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। दुनिया बेटा इन दोनों वर्ड्स को बेटा एक जैसा मानती है, वो कहती है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो उसको डिजीज नहीं होती, या किसी इंसान को डिजीज नहीं हो रही तो बेटा वो हेल्दी है। ऐसा नहीं होता, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज फ्री दोनों में बेटा फर्क है। तो ये जो वर्ड है डिजीज बेटा, ये दो शब्दों का मिला हुआ है, डिस ईज मतलब ईज में अनकंफर्ट आ जाना, मतलब डिस्टर्ब कर दिया आपने
ईज को। तो डिजीज का मतलब हो गया बीइंग अनकंफर्टेबल या नॉट एट ईज। कहते हैं एक इंसान हेल्दी तब कहलाता है जब उसके पास कोई सिम्टम ना हो सिकनेस का, इलनेस का, या फिर बेटा किसका, एंजाइटी का। ठीक है, अगर उसके पास कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेटा हो सकता है कि वो हेल्दी ना हो। कहते हैं अगर सारे बॉडी पार्ट्स किसी इंसान के सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं एंड वो मेंटली फिट है, सोशली अवेयर है, तो ही वर्क्स हैप्पीली एंड कैन टेक एक्टिव पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज। तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, हेल्दी इंसान कहते हैं बेटा। तो हेल्दी और डिजीज फ्री में डिफरेंस क्या है बेटा, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं अ स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग पर्सन इज नोन एज हेल्दी एंड अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी बॉडी डिस्कम्फर्ट इज नोन एज डिजीज फ्री। कहते हैं हेल्थ डिपेंड्स अपॉन पर्सन एंड वंस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी। तो बेटा हेल्थ इंसान की और उसकी सोसाइटी दोनों से जुड़ी हुई है, लेकिन डिजीज फ्री जो इंसान होता है बेटा वो सिर्फ पर्सनल अपने आप से अटैच होता है, उसमें कम्युनिटी का कोई रोल नहीं होता। क्योंकि बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान अपनी अच्छी साफ सुथरी कम्युनिटी में रहता हो, लेकिन जब वो किसी दूसरी कम्युनिटी में गया तो बेटा वो क्या हो गया बेटा, डिजीज कैच कर ली उसने। तो ये सब चीजें हो सकती है। तो बेटा दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। देन बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजीज क्या होती है। नाउ बेटा लेट अस सी व्हाट इज अ डिजीज। डिजीज क्या होती है बेटा, कहते हैं ये एक इम्पेयरमेंट होता है या मैल फंक्शनिंग होता है, अपने नॉर्मल स्टेट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस वाइटल ऑर्गन्स की या वाइटल बॉडी के फंक्शंस की बेटा क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब बेटा किसी इंसान के बॉडी के वाइटल फंक्शंस बेटा सही ढंग से काम नहीं करते या किसी रीजन की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता, तो बेटा हम कहते हैं कि उस ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम की बेटा क्या हो गई है, मैल फंक्शनिंग हो गई है। तो बेटा वो इंसान डिजीज के प्रोन हो जाता है। अब ये एक रिस्पॉन्स होता है टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज मैल न्यूट्रिशन, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स और क्लाइमेट, बाय स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक वर्म्स, प्रोटोजोअन्स, फंगाई, बैक्टीरिया और वायरसेस, टू इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एज जेनेटिक एनोमली, ऑल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। अब डिजीज बेटा कैसे होती है, जैसे कोई इंसान को कहा कि घर बैठो, बाहर नहीं जाना, बाहर कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन वो इंसान बाहर जाता है किसी भी रीजन की वजह से और बेटा वो इन टच आ जाता है बेटा एक ऐसे इंसान में जो इन्फेक्टेड है। जब हेल्दी इंसान के अंदर कोरोना वायरस एंटर करेगा तो बेटा वो हेल्दी इंसान के बॉडी फंक्शंस को बेटा क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इससे उसकी बॉडी में डिजीज आनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, कभी कभार क्या होता है, किसी न्यू बॉर्न बेबी को फूड बेटा एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसके बॉडी के ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। हेंस अगर वो पूरे डेवलप नहीं होंगे तो बेटा वो पूरी तरीके से फंक्शनिंग कैसे कर पाएंगे।
वो इंसान भी डिजीज के प्रोन हो जाता है। अब कोई इंडस्ट्री है जो बहुत सारा केमिकल या धुआं बेटा एयर में रिलीज करती है बेटा, स्मोक ठीक है ना, पोल्यूशन क्रिएट करती है बेटा, तो वो पोल्यूशन भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को बेटा क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे ऑक्सीजन बेटा हमारे लंग्स में ब्लड में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो बेटा हमारी बॉडी एक मैल फंक्शन में आ जाती है। अगर इन केस कोई एजेंट जैसे वर्म या प्रोटोजोन, फंगाई, बैक्टीरिया हम बेटा कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर कर देता है थ्रू फूड या थ्रू एयरबॉर्न या थ्रू वाटर, तो भी बेटा वो इन्फेक्टिव एजेंट हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के बेटा फंक्शन को बेटा खराब कर देगा, एंड दैट पर्सन विल बी प्रोन टू डिजीज। कभी कभार ये भी होता है कि कुछ डिजीजेस कोई इंसान अपने जीन्स में लेके बैठा होता है, जो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं बेटा, जेनेटिक एनोमली जिसको हम कहते हैं बेटा, तो उससे भी एक इंसान को डिजीज हो सकती है। लेकिन जब किसी इंसान को डिजीज होती है तो फंक्शनिंग या अपीयरेंस एक या एक से ज्यादा सिस्टम की बॉडी में बेटा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ही वो चेंज होगी कोई सिम्टम्स हमको नजर आने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे, कोई साइन हमें नजर आने लगेगा या महसूस होने लगेगा, जैसे हेडेक होनी हो सकती है, कफ होनी हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो बेटा ये तीन बेसिक बेटा क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटर कर चुका है, कोई इन्फेक्टिव एजेंट जो है एंटर कर चुका है। हेडेक, कफिंग, लूज मोशंस बेटा, वॉमिटिंग, तो बेटा ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है बेटा जिनसे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्टिव एजेंट एंटर कर चुका है। कहता है साइंस विल गिव यू अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन। अब बेटा साइंस जो होते हैं वो बेटा हमें एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन देते हैं कि बेटा प्रॉब्लम कहाँ पर है। ऑफ द डिजीज एज डॉक्टर्स मे गेट सम लैब टेस्ट डन एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स डिजीज कैन बी डिटेक्टेड। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो अपने साइन एंड सिम्टम्स लेकर और डॉक्टर को बताते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर फटाफट कह देता है अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ब्लड टेस्ट करा लो, आप यूरिन टेस्ट करा लो। तो बेटा ये दो टेस्ट तो बेटा वो कॉमन है ही है। अगर इंसान बड़ा है तो बेटा उनका शुगर टेस्ट भी हो जाता है, डायबिटीज का टेस्ट भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो बेटा ये चार टेस्ट कोई इंसान अगर करा ले तो बेटा उसकी पूरी पूरी बॉडी की रिपोर्ट जो है वो पता चल जाती है। सबसे पहला टेस्ट क्या होता है बेटा, ब्लड टेस्ट। दूसरा बेटा टेस्ट क्या है, यूरिन टेस्ट। और बेटा तीसरा टेस्ट क्या है बेटा, शुगर टेस्ट। और बेटा फोर्थ है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो बेटा हैंड टू हैंड मेजर हो जाता है। आजकल तो शुगर का टेस्ट भी बेटा हैंड टू हैंड मेजर हो जाता है बेटा, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं रह गया है। पर बेटा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, इनके लिए मशीन्स काफी डिफरेंट होती हैं। पर बेटा शुगर का टेस्ट बेटा और बीपी का वो तो हैंड टू हैंड आप कोई भी इंसान घर में भी कर सकता है। ये चार टेस्ट बेटा दे आर मतलब somewhat sufficient enough to बेटा to give entire description of body। सर तो 3 months का डाटा मिल जाता है पूरा। हाँ जी बेटा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 months की एवरेज जो है वो आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एज टू एज।
कि आप मतलब किसी भी इंसान के ऑन एन एवरेज बेटा क्या है। अब तो इतनी अच्छी रिपोर्ट्स देते हैं बेटा, वो रिपोर्ट्स में साथ में ये भी कहते हैं कि इन चीजों के फैक्टर्स जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम या रेंज जो होती है बेटा वो कितनी होनी चाहिए। तो कोई नॉर्मल इंसान भी अपनी रिपोर्ट पढ़ के बता सकता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम होती है बेटा वो बोल्ड होती है, वो हाईलाइटेड होती है बेटा। तो डॉक्टर उस हिसाब से किसी भी इंसान को बेटा उस डिजीज के लिए क्या दे देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी इंसान जाता है तो वो 4 टेस्ट करा ले। जो छोटे बच्चे हैं बेटा उनके लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, दैट इज सफिशियंट। पर अगर 40-35 से ऊपर की एज है तो बेटा शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ये 4 टेस्ट तो बेटा आजकल मैंडेटरी हो ही गए हैं बेटा एक तरह से। तो फुल बॉडी रिपोर्ट जो है वो पता चल जाती है। देन हम बात करते हैं बेटा डिजीजेस किस टाइप की होती है। तो बेटा इसमें हमारे पास आती है अक्यूट डिजीजेस। ये कौन सी होती है बेटा? डिजीजेस विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, जैसे कॉमन कोल्ड, फीवर, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बेटा अक्यूट डिजीजेस हो गई बेटा, है ना, 100 डिग्री है ना तक का फीवर हो गया बेटा। देन बेटा क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती है बेटा? विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज सम टाइम, कुछ केसेस में बेटा पूरी लाइफ टाइम तक चलती है बेटा किसी इंसान की, जैसे एलिफेंटाइसिस, है ना। तो बेटा ये इंसान के लाइफ टाइम तक जो है वो चलती है बेटा, बॉडी जो है वो स्वोलन हो जाती है। आप देख सकते हैं बेटा एक लेग में इनके डिजीज आ गई एलिफेंटाइसिस, राइट। देन बेटा अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस में डिफरेंस क्या है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं अक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है बेटा, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है क्रॉनिक डिजीजेस। अक्यूट में पेशेंट रिकवर कर जाता है कंप्लीटली आफ्टर द क्योर, तो पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली बेटा। क्रॉनिक में बेटा पूरी तरीके से वो रिकवर कभी नहीं कर पाता। कहता है अक्यूट के अंदर देयर इज नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग टायर्डनेस आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑफन वेट लॉस हो जाता है और इंसान जो होता है, ठीक है, ये 2 बार आ गया, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस रहती है बेटा। डिजीज के बाद, ठीक होने के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई वो ताकत जो है पहले जैसी नहीं रही। कहता है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है बेटा अक्यूट डिजीज, इसलिए बेटा काम का कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता, है ना। भगवान ना करे किसी स्टूडेंट को हो गई, है ना, कफ कोल्ड हो गया, तो बेटा वो क्या बोलेगा? वो कहेगा सर मैं 1 क्लास में नहीं आऊंगा, मैं 2 क्लास में नहीं आऊंगा, तो इट्स ओके, है ना, 1-2 बार उसके बाद में हम उसको कर लेंगे कवर। लेकिन बेटा किसी इंसान को भगवान ना करे कोई लंबी डिजीज होगी बेटा, तो उसका काम भी गया, उसके काम करने की एफिशिएंसी भी गई। तो बेटा अगर वर्क सफर करेगा तो अर्निंग सफर करेगी, अर्निंग सफर करेगी तो फैमिली सफर करेगी। तो बेटा बहुत सारी चीजें फिर उस केस में बेटा क्या हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है बेटा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। हाँ जी बच्चों, तो बेटा ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है बेटा। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, इनको रिलेट करते हैं बेटा। कहते हैं डिजीज चाहे अक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है किसी भी इंसान की हेल्थ के ऊपर। कहते हैं कोई भी डिजीज जो है वो सबसे पहले तो बेटा क्या करती है, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को बेटा कमजोर कर देती है, पुअर कर देती है, स्लो कर देती है, जिसकी वजह से सबसे पहले जनरल हेल्थ इंसान की बेटा क्या हो जाएगी, ठीक नहीं होगी बेटा। तो उसका बेटा मतलब होता है सबसे पहले इंसान का बेटा टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज कर जाता है और उसको बेटा क्या हो जाता है, फीवर। बेटा फीवर इज द फर्स्ट इंडिकेशन, बेटा फीवर बेटा क्या होता है, इट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बेटा आपको पता है फीवर होना बुरा नहीं होता, आपको पता है फीवर होना इज गुड, क्योंकि बेटा क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑल जर्म्स हमारी बॉडी में बेटा वो क्या कर जाते हैं बेटा, किल कर जाते हैं। तो बेटा फीवर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन इन आर बॉडी बाय आर बॉडी टू फाइट बेटा अनवांटेड इन्फेक्टिव एजेंट्स जो हमारी बॉडी में किसी ना किसी रीजन से एंटर कर गए हैं, उन इन्फेक्टिव एजेंट से बेटा फाइट करने का सबसे पहला स्टेप होता है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। हमारे एजेंट हमारा इम्यून सिस्टम हाई टेम्परेचर पे बेटा क्या हो जाता है एक्टिव, और बेटा इन्फेक्टिव एजेंट जो होते हैं बेटा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं इनएक्टिव। लेकिन बेटा भगवान ना करे अगर इन्फेक्टिव एजेंट्स की मात्रा उनके अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ तो बेटा फीवर जो है वो थोड़ा लंबा खिंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा हमें एक्स्ट्रा सोल्जर चाहिए होते हैं, और एक्स्ट्रा सोल्जर सपोर्ट हमें कौन देता है, मेडिसिन देती है। तो मेडिसिन जो होती है वो हमारी एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमें बचाता है। कहते हैं एक अक्यूट डिजीज विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। बेटा उसमें इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर दे। कभी कभार है ना बॉडी पेन हो रहा है, चल यार कोई बात नहीं है ना, घूमने जाना है तो हम चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। बॉडी पेन हो रहा है यार, टायर्ड फील कर रहा हूँ, चलो मूवी देखने जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जोश आ जाता है। लेकिन फिर बॉडी पेन हो रहा है, स्कूल जाना है, अरे मम्मा बहुत दर्द हो रही है, मम्मा मम्मा चला नहीं जा रहा, मम्मा उठा नहीं जा रहा, मम्मी यू नो लाइक दैट, ऐसे इंसान करने लग जाता है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज अगर किसी इंसान को हो जाए बेटा तो वो बेटा जनरल हेल्थ को मेजर टाइम में बेटा क्या कर देती है, खराब कर देती है। इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज इट इज लाइकली टू हैव अ प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ विद वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ। तो बेटा अगर एक बार किसी इंसान को कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए है ना, जैसे किसी इंसान को अगर जॉन्डिस हो जाता है बेटा तो उनका लिवर बैडली अफेक्ट कर जाता है, तो बेटा लिवर जो है उसके बाद भी बेटा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो लिवर आफ्टर जॉन्डिस बिकम वेरी वीक। तो बेटा क्रॉनिक डिजीजेस काफी खतरनाक होती है बेटा। देन हम बात करते हैं डिजीज कॉज कैसे होती है। कहते हैं इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स, ये बेटा कम्युनिकेबल डिजीजेस कैरी करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब बेटा क्या होता है, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है बेटा, जंप कर सकती है बेटा, इन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जैसे बेटा ये हो गए बेटा हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स, बेटा ये सारे ठीक है एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है बेटा, राइट। देन बेटा हमारे पास मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, तो बेटा मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज बेटा, हार्ट डिजीजेस बेटा, ये क्यों होती है बेटा, ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियास एंड हार्ट। तो बेटा इनकी वजह से बेटा ये डिजीजेस जो है वो फैलती है बेटा। देन डिजीजेस कुछ आती है बेटा न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से बेटा, डिजीजेस लाइक मरासमस एंड क्वाइशिकॉर बेटा, ये मैल न्यूट्रिशन की डिजीजेस है। तो बेटा देखो टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे बच्चे हैं बेटा, एक सफरिंग फ्रॉम क्वाइशिकॉर, ठीक है ना, एंड दूसरा सफरिंग फ्रॉम मरासमस। दोनों खाना ना मिलने की, प्रॉपर तरीके से बेटा न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से होती है बेटा। देन बेटा आती है डिजीजेस ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, ये बेटा किसी बच्चे के बर्थ में ही होती है क्योंकि बेटा उसके जीन्स में आ जाती है फ्रॉम पेरेंट्स, जैसे हेमोफीलिया, तो बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, है ना। इसमें इंसान के बॉडी के टिश्यूज जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो अपने आप ही ब्लीड करने रहते हैं। तो बेटा चाइल्ड जो है उसको हल्का सा रबिंग क्या होती है बेटा, तो ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है।
बेटा बहुत खतरनाक क्रॉनिक डिजीजेस है बेटा ये। देन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बेटा, एयर वाटर ये मेजर मीडियम्स होते हैं बेटा डिजीज कॉज करने के, क्योंकि बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। मोस्ट डिजीजेस हैव मेनी कॉजेज रादर देन अ सिंगल कॉज, तो बेटा बहुत सारी डिजीजेस ऐसी है जिनके कारण बेटा बहुत सारे हैं सिर्फ एक होने की वजह से बेटा। तो जेनेटिक के तो बेटा एक होने की वजह से है बेटा, बट मैनी कफ कोल्ड बेटा इनके रीजंस, इनके कॉजेस जो है बेटा वो बहुत सारे हैं बेटा। तो पोल्यूशन तो बेटा इज नाउ वन ऑफ द मेजर 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 रीजन फॉर मैनी 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 डिजीजेस, राइट फ्रॉम अक्यूट टू क्रॉनिक डिजीजेस बेटा। तो पोल्यूशन जो है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर। तो बेटा बेस्ड ऑन अभी तक हमने क्या टॉपिक किए हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये एनसीईआरटी के हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंटेक्स का क्वेश्चन है, कहते स्टेट टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो बेटा इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है टू कंडीशंस बेटा गुड हेल्थ की। तो बेटा एक तो क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड, एक इंसान को बेटा ये मिलना चाहिए, और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सैनिटेशन एंड गार्बेज डिस्पोजल, ठीक है, और बेटा तीसरा क्या आ जाएगा, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो बेटा हमने तीन आपको बेटा कंडीशंस जो है वो बता दी है। देन बेटा हम बात करते हैं इंटेक्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की, ये क्या कहता है, स्टेट टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीजेस। तो बेटा इंटेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, दो कंडीशंस हमको बतानी है एसेंशियल ताकि कोई भी इंसान डिजीज फ्री हो, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, लिविंग इन हाइजेनिक एंड क्लीन एनवायरनमेंट, है ना, एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान रहे तो बेटा उसको डिजीज नहीं होगी। और बेटा दूसरा जो है वो है ना, वैक्सीनेशन आ गई आजकल, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर वैक्सीनेशन एट रेगुलर टाइम। तो अगर एक इंसान एक रेगुलर वैक्सीनेशन यू नो लगवाता है और रेगुलर टाइम पर, तो बेटा वो क्या रहेगा, वो डिजीजेस से बचकर रहेगा बेटा। देन हम बात करते हैं बेटा इंटेक्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की, कहते आर दी आंसर्स टू दी अबव क्वेश्चन नेसेसरली सेम और डिफरेंट। तो बेटा आपको बताना है ना, तो बेटा दीज आंसर्स आर डिफरेंट बट कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, हालांकि दोनों केसेस में आंसर्स बेटा डिफरेंट है लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्यों भाई, बिकॉज हमने पढ़ा था बेटा बीइंग डिजीज फ्री does not means being healthy, does not means being healthy,
तो अगर कोई इंसान डिजीज फ्री है तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते, इन टेक्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं, लिस्ट थ्री रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर। तो बेटा ऐसे तीन रीजंस कौन कौन से होंगे जब आपको लगेगा, है ना, ये इन टेक्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, जब किसी इंसान को लगेगा कि बेटा उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा कि वो तीन रीजंस कौन कौन से होंगे, कब आपको लगा आज तक कि भैया मुझे वो डॉक्टर को जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर, जब फीवर हो या फिर सर कफ एंड कोल्ड हो। वेरी गुड, हैविंग फीवर, ठीक है, ये तो हो गया बेटा पहला रीजन, ठीक है ना। अच्छा, फीवर के साथ हम कफ एंड कोल्ड बेटा भी लगा सकते हैं। दूसरा रीजन और कोई बेटा? सर अनइजी अनइजी ऑफ बॉडी। अनईजी, तो बेटा इंसान फीवर में भी हो सकता है, कफ एंड कोल्ड में भी हो सकता है, बट एक ऐसा कुछ सिचुएशन हमें बताना है कि जब लगे नहीं यार अब अनईजी इंसान होगा तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, है ना। पर ये सिचुएशन अगर आ गई तो इंसान को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना बेटा। डायरिया और लूज मोशन, बेटा अगर किसी इंसान को ये हो जाए इंटेंस में, बेटा अगर आपकी बॉडी से इतना वाटर बेटा लूज हो जाए तो बेटा इंसान बहुत वीक हो जाता है बेटा, वो स्टैंड भी नहीं कर पाता बेटा। बॉडी से अगर वाटर लॉस हो जाए तो बेटा उस केस में बेटा इंसान को जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। और अगर किसी इंसान को बेटा क्या आने शुरू हो जाए, वॉमिटिंग, हेडेक, है ना, तो बेटा इस केस में भी इंसान को डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। कहते हैं, इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, व्हाई और व्हाई नॉट? यस, व्हाई? बिकॉज ईच ऑफ अबव सिम्टम्स आर रिलेटेड टू सम इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन हूज फंक्शनिंग इज हिंडर्ड, हेंस वी शुड विजिट द डॉक्टर। तो बेटा हर जो इंडिकेशन है बेटा उसके अंदर कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन जो है बेटा वो अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है बेटा डॉक्टर से मिलना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। कर लीजिए बेटा आंसर कॉपी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, इन टेक्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट? बेटा किस केस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेगा बेटा? इफ समवन गेट्स जॉन्डिस, यस बेटा इस पे पड़ेगा लॉन्ग टर्म। इफ समवन गेट लाइस, बेटा बालों में जुए आ गई, नो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ समवन गेट्स एक्ने, नहीं बेटा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा बेटा वो किससे पड़ेगा? जॉन्डिस से पड़ेगा बेटा, है ना। सो अटैक ऑफ जॉन्डिस विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट एज
इट विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लिवर। तो बेटा ये लिवर की फंक्शनिंग को बेटा क्या कर देगा, खराब कर देगा बेटा, इस वजह से। Hence, a proper treatment from a good doctor is required. तो इस केस में बेटा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी एक अच्छे डॉक्टर से, ताकि हम इसको ठीक कर सके बेटा। तो हाँ जी बेटा। सर जॉन्डिस जेनेटिक होता है? नहीं बेटा, जॉन्डिस जेनेटिक नहीं होता। ओके सर। हाँ तो ये किसी को भी हो सकता है, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट इज नॉट जेनेटिक, राइट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बेटा इतना ही करेंगे, आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।